कि 1,00,000 का इनामी अपराधी नंद किशोर उर्फ राज किशोर उर्फ किशोर महतो की गिरफ्तारी हुई है। बलिया लखमिनिया स्टेशन के आसपास से उक्त 1,00,000 का इनामी अपराधी को धर दबोचा गया है। कितने मामले दर्ज है और कितने का इनाम है इस पर? ये गुप्त सूचना के आधार पे आज रात के लगभग 12:30-12 बजे के आसपास में हमारी बलिया थाने की टीम और जिला की जो आसूचना इकाई है और साथ में एसटीएफ की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पे हमारे अनुमंडल के टॉप 10 अपराधी जिसका नाम नंद किशोर उर्फ राज किशोर उर्फ किशोर महतो है, इसमें बलिया थाना में टोटल 14 केस आर्म्स एक्ट डकैती हत्या अपहरण सम्मिलित ये सब धाराओं में केस दर्ज है। आर्म्स एक्ट के इस पे टोटल 14 केस बलिया थाना में दर्ज है। इसकी कल गिरफ्तारी हुई है और ये पहाड़पुर का रहने वाला है। इसके अलावे जिले के अन्य थानों से इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है और हमारी टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। ये 1,00,000 रुपये का इनामी भी है। और मैं ये बताया जा रहा है कि मुखिया पति हैं, करंट मुखिया पति हैं, इसका क्या पता? जी, ये सूचना मिली है कि ये करंट मुखिया पति है जिसका इनके द्वारा इस अपने पद का अपने क्षेत्र में दुष्प्रभाव और लोगों को इससे ये लोग प्रभावित करके और गलत काम करते थे। इन पे टोटल बलिया थाना में आर्म्स एक्ट जैसे 14 मामले हैं। उसके अलावा विभिन्न थानों में भी पता करके इनका क्रिमिनल हिस्ट्री पता किया जा रहा है। नियरेस्ट मामला कब तक कब का है? इन पे नियरेस्ट मामला 20 का है, 20-21 का है। 1,00,000 का इनाम का कब घोषणा हुआ था इसके विरुद्ध? ये हमारे एसपी सर के द्वारा पिछले 2-3 महीने पहले घोषणा हुई थी। इसकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस को इस सफलता को किस रूप में देख रही है? ये हमारे बलिया अंचल के लिए बहुत बड़ी सफलता है और इसके माध्यम से ये मैसेज जाएगा कि जो भी क्रिमिनल है अपने आप को जनप्रतिनिधि या फिर जो भी नेता के रूप में या जिस तरह से भी अपने आप को छुपा करके गलत काम कर रहे हैं उसके आड़ में, तो उनके लिए एक हमारे अनुमंडल पुलिस के तरफ से हमारे पुलिस टीम के तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि गलत काम ना करें क्योंकि किसी भी तरीके से वो पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। हमारी एसटीएफ की भी जो टीम है वो लगी हुई है और हमारी जो अनुमंडल की पुलिस है, बलिया पुलिस है, वो हर क्रिमिनल के पीछे पड़ी हुई है। आज नहीं तो कल जो भी है उसकी गिरफ्तारी होनी एकदम निश्चित है। पीएनपी ज्वेलर्स के मामले में भी आपने दावा किया था कि सामान की बरामदगी होगी, उस दावे में कितना कुछ हो पाया अभी तक? अभी तक हम लोग को जहाँ तक लेटेस्ट इसमें जानकारी है कि 2 मुख्य आरोपी जो सरेंडर किए हैं उस पर रिमांड लेने की प्रक्रिया अभी प्रोग्रेस में है। रिमांड लेने के साथ उनसे पूछताछ करके सामान की रिकवरी की जाएगी। ये सोम कुमार गिरफ्तार हुआ है, किस मामले में गिरफ्तार? ये बलिया थाना इतना केस है, ये सब तो मान लीजिए केस में बेल पे भी होगा और उसमें है ये हत्या और अपहरण में 2021-20 के केस में। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज बिहार में और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय बलिया के अनुमंडलीय मैं कार्यालय में पहुंचा हूं जहां डीएसपी की आज 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बलिया डीएसपी नेहा कुमारी ने बताया है कि 1,00,000 का इनामी अपराधी नंद किशोर उर्फ राज किशोर उर्फ किशोर महतो की गिरफ्तारी हुई है। ये बलिया पुलिस इसे बड़ी गंभीरता से इस गिरफ्तारी को लिया है, कहा है कि बड़ी सफलता है बलिया पुलिस के लिए और बलिया क्षेत्रवासियों के लिए। कई एक दर्जन मुकदमे बलिया में, कम से कम 14 मुकदमे दर्ज हैं जो आपराधिक मुकदमे हैं। आज जो गिरफ्तारी दिखाई गई है उसमें हत्या अपहरण और लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया था, जिसको लेकर के बेगूसराय पुलिस लगातार टीम बना करके इसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और गुप्त सूचना मिलते ही बलिया लखमिनिया स्टेशन के आसपास से उक्त 1,00,000 का इनामी अपराधी को धर दबोचा गया है। जहां मैं आपको बताऊं कि 1,00,000 का इनामी अपराधी नंद किशोर उर्फ राज किशोर उर्फ किशोर महतो, ये अलग अलग नामों से पुलिस को चकमा देने के ख्याल से लगातार अपना नाम बदलते रहता था। मिली एक जानकारी के अनुसार ये भी बताया जाता है कि यह राजकिशोर उर्फ किशोर महतो, जिसे नंद किशोर महतो भी लोग जानते हैं, पहाड़पुर क्षेत्र के वर्तमान मुखिया के पति बताए जाते हैं। पूर्व में यह व्यक्ति मुखिया भी पहाड़पुर पंचायत का रहा है।
आज जब उसकी गिरफ्तारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो डीएसपी नेहा के द्वारा बताया गया कि कुल 14 आपराधिक मुकदमे इस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हैं और काफी लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। इसकी गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी सफलता मान रही है और ये भी दावा कर रही है कि निश्चित तौर पर इस अपराधी के गिरफ्तारी होने से क्षेत्र में कुछ न कुछ भय का वातावरण समाप्त होगा और लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में पीएनपी ज्वेलर्स लूटकांड में सामान की बरामदगी को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए तो डीएसपी ने कहा कि उस संबंध में भी लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और निश्चित तौर पर सामान की एक बार फिर बरामदगी की बात दोहरा दी है। आपको बताऊं कि पिछले 2.5 महीने पहले एक घटना बलिया में हुई थी पीएनपी ज्वेलर्स के में, जिसमें शाम ढलते ही अपराधियों ने सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी का लूट लिया था, जिसमें 2 लाइनर पकड़े गए थे, अपराधी गिरफ्तार हुए थे लाइनर के रूप में और उसमें उस कांड में मुख्य आरोपी सभी चिन्हित कर लिए गए हैं, उन पर छापेमारी की जा रही है लेकिन सफलता अभी तक बलिया पुलिस को नहीं मिली है, जिसको लेकर के व्यवसायियों में भी लगातार रोष बना रहता है। हम आपको व्यवसायी की भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे, आप बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।